हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज ऑफिशियल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैरोट का ये पैन का सेट जो हमने अमेजोन से मंगवाया है। ये ग्रेनाइट पैन सेट है, आजकल ग्रेनाइट काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने ये दो का सेट मंगवाया है कुछ 1600 रुपए का। एंड दिस इज़ द ग्रेनाइट कोटिंग, पीछे से इंडक्शन बॉटम है एंड ये है उसका पैन भी, आप देख सकते हैं, देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। एंड इसके साथ ये हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसका रिसीव हुआ है, जिसमें खैर कुकिंग मटेरियल गिरे क्या ही, बट इसको लो हीट पे चढ़ाना है पहले गर्म करने के लिए, ये मेन इंस्ट्रक्शन था। और इसमें ये बहुत ही सुंदर सा वुडन हैंडल भी है। सो अभी हम टेस्ट आउट करेंगे कि क्या ये बिल्कुल नॉन ऑयल के खाना बनाता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं मूंग का चिल्ला, छिलके वाली मूंग दाल, उसको भिगोया है रात भर। फिर इसमें हमने यूज़ किया है लहसुन के दो टुकड़े छोटे छोटे, उसको मिला के पीस दिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार। और ये हमारी नई पैन जो कि धीमी आंच पे रेडी हो रही है, ये देखिए धीमी आंच पे। अब देखते हैं कैसा बनता है, फर्स्ट ट्रायल है। तो देखने में तो बहुत सुंदर डिज़ाइन आ रही है, मुझे लगा थोड़ा सा थिक हो गया, लेकिन थिक नहीं है ये, कितना गोल बन रहा है। अब इसकी क्रंचीनेस थोड़ी से पकने के बाद पता चलेगी जब इसे पलटा जाए। तो आज इस चिल्ले की खासियत क्या है कि आज हम इसे ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप पैन की खासियत समझिए चाहे चिल्ले की खासियत समझिए, बिना ऑयल के हम इसे यूज़ कर रहे हैं आज। और देखते हैं कि क्या ये नॉनस्टिक, जिसलिए बोला जाता है ग्रेनाइट का, ये हमने मंगाया है, तो देखते हैं कि क्या हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आज। तो यहाँ से शुरू होती है इनकी खासियत, ये देखिए साइड से ये छोड़ने लगा है, और जब ऐसे साइड से छोड़ता है तो आई होप कि इसे पलटना काफी आसान हो जाता है। वो एकदम अलग है ये तो, nice. Wow. अपने आप बिना ऑयल आप कुछ इस कलर का बना सकते हैं, अगर आपको और डार्क चाहिए तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि हम ऑयल नहीं यूज करेंगे। लेकिन आज हम ट्रायल ले रहे हैं इस पैन का जो हमने नया मंगाया। तो हमारा चिल्ला रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है ये, एंड आई होप खाने में भी क्रिस्पी होगा। अब ये प्लेट में आए तब देखें कितना क्रिस्पी है। ये पलट दिया गया और इधर से देखते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं वरना वो जल जाएगा। दूसरा डिजाइन रेडी हो रहा है, अभी चिल्ले को ट्राई करने का समय आ गया है। देखते हैं कितना ही जबरदस्त है, आवाज तो सुना देता हूँ आपको, बहुत अच्छी आ रही है। एक बिना ऑयल के बाद अभी ऑयल भी आ गया है, और कलर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको और डार्क कलर चाहिए तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं। तो आज पैन के साथ साथ चिल्ले का भी एक रिव्यू आपने देखा, अगर इसकी रेसिपी आपको जाननी है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। फिलहाल अभी चिल्ले को ट्राई करते हैं, क्रंची तो भरपूर है बिना ऑयल, और अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो चिल्ले के साथ यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये पैन बहुत अच्छा है, और इसे मैं अगर रेटिंग दूंगा तो 10 में से 9 मेरी तरफ से, क्योंकि इसका हैंडल भी बहुत प्यारा है, आपने देखा ही होगा। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा कि चिल्ले की रेसिपी आप जानना चाहते हैं और अच्छे से, तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।